नादरा साहिबा, आप क्या समझती हैं आज के मैच से स्टार्ट करते हैं, पिच जो है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंस शायद दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अच्छे रन नहीं बन सके हैं जिस तरह के हम चाह रहे थे या फिर हम सोच रहे थे बनेंगे? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो पिच है उसका बिहेवियर ऐसा है कि आपको जो रन जितना बनाने चाहिए थे, जिस तरह की अब तक अटैकिंग खेलता रहा है भारत, वैसे हमें नजर नहीं, काफी फंसा हुआ गेंद आ रहा था जिसकी वजह से उतने रन नहीं बन सके। ज्यादातर आप देखिए विराट कोहली जैसे जो है वो टिक नहीं सके विकेट के ऊपर और सिफर पर आउट हो गए। उसके अलावा इनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं केएल राहुल के अलावा जो शिवम है वो भी आउट हो गए 9 रन बना के, बल्कि आयर उन्होंने भी बिल्कुल 4 रन बनाए। हाँ तो इतने ज्यादा कोई डबल फिगर में बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे इंडियन प्लेयर्स, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि पिच का बिहेवियर उस जैसा नहीं है जो हमें गुज़िश्ता मैचेस में नजर आया। लेकिन फिर वही बात है कि कहते हैं एक डे जो होता है वो बैड डे होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि आज भारत का जो है वो बैड डे है और आज इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा सूदमंद साबित होगा। तो अब देखना ही है क्योंकि इतने ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है जिसको ये चेज ना कर सके और इंग्लैंड टीम गो के उस तरह के मतलब फुल स्विंग में नजर नहीं आई, लेकिन आज लगता है कि भारत के अगेंस्ट वो रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 300 जो अब तक बन रहे थे डिफरेंट पिचेस पे 400 बन रहे थे आज काफी कम है और ये चेजेबल टारगेट है इंग्लैंड के नुक्ते निगाह से। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।